हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे क्लास 3 एनसीईआरटी क्लास 3rd इंग्लिश की क्वेश्चन आंसर लेसन लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर। ओके, तो सबसे पहले आपका इसमें चैप्टर में है न्यू वर्ड्स, जैसे है शेडी, बिलोड, ट्विस्ट, पाउंस्ड, ग्रांट, गेम, ग्लिसेंड, रोड, फीजेंट एंड फॉल। तो इसका वर्ड मीनिंग्स है आपको। फर्स्ट है शेडी, मतलब होता है फुल ऑफ शेड। एग्जाम्पल, वी वेयर वॉकिंग ऑन अ शेडी रोड, मतलब छायादार। ठीक है, छायादार, छाँव जहाँ होती है ना, शेड मतलब होता है छाँव और शेडी मतलब होता है छायादार। आई saw a टाइगर हाइडिंग इन द शेडी वुड्स, कि मैंने एक टाइगर को देखा जो लकड़ियों की शेड में छिपा हुआ था। सेकेंड है बिलोड, अ रोडिंग शाउट और साउंड। एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं आई बिलोड इन पेन एट होम, मतलब चीखने की गुर्राने की आवाज़। थर्ड है ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब होता है टू गिव अ सडन जर्क, मतलब कि हल्का सा झटकना। ठीक है, किसी भी चीज़ को झटकना, जैसे इस लेसन में वो टाइगर का जो बेबी था वो अपनी मम्मा की पूंछ को पकड़ता था और उसकी मम्मा उसे झटक देती थी। फोर्थ है पाउंस्ड, पाउंस्ड मतलब होता है टू अटैक सडनली, अचानक से किसी चीज़ पर अटैक करना, झपटना। ठीक है, झपट्टा मारना। फिफ्थ है ग्रंट, शॉर्ट डीप साउंड, मतलब कि धीरे से गुर्राने की आवाज़। छठा है आपका गेम, गेम मतलब होता है एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू बी प्लेड विद अदर्स, एक ऐसा खेल जो हम किसी के साथ खेलना चाहते हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी, मतलब कोई ऐसा काम जो हम करते हैं। ठीक है, सेवन्थ है ग्लिसेंड, ग्लिसेंड मतलब होता है चमकना, टू शाइन विद अ स्पार्कलिंग लाइट। ठीक है, रोशनी के साथ चमकना। एट्थ है रोड, रोड मतलब होता है फुल डीप क्राई, मतलब जोर से चीखना, गुर्राना या दहाड़ने की आवाज़। नाइन्थ है फीजेंट, फीजेंट मतलब होता है अ लॉन्ग टेल्ड बर्ड हंटेड। ठीक है, कोई बड़ा सा, एक कोई बड़ा सा पक्षी जिसकी जो पूंछ है ना वो काफ़ी लंबी होगी। फोल मतलब होता है डोमेस्टिक बर्ड फॉर ईटिंग और प्रोड्यूसिंग एग्स, कोई ऐसा पालतू बर्ड। ठीक है, डोमेस्टिक पेट बर्ड होगा, ठीक है, जो खाने या एग्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आपका पेज नंबर 17 आता है, 71 है सॉरी, तो इसमें आपका है टिक द राइट आंसर। फर्स्ट है वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लीव, कि मदर टाइगर जो थी वो अपने छोटे से बच्चे के साथ कहाँ पे रहती थी। ऑप्शन है आपका ए में ऑप्शन है नियर अ रिवर, बी में है नियर अ माउंटेन, थर्ड में है नियर अ फॉरेस्ट और है फोर्थ में नियर अ सी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट में होगा नियर अ रिवर, वो रिवर के पास रहती थी एक जंगल में। ठीक है, सेकेंड है व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क, तो मदर टाइगर क्या हंट करती थी जब रात होती थी। तो पहला ऑप्शन है शिप एंड गोट्स, दूसरा है फिश एंड फ्रॉग्स, तीसरा है डियर एंड पिग्स और चौथा है डंकीज एंड हॉर्सेस। तो फिश एंड फ्रॉग्स का करती थी, सॉरी वो सी, डियर एंड पिग्स का करती थी। थर्ड है व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट, तो एक रात टाइगर कब ने क्या पकड़ा था, और डियर, अ फ्रॉग, अ पिग और अ कैट, तो उसने एक फ्रॉग को पकड़ा था। व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेज्ड द फ्रॉग, तो क्या होता है कि जो लिटिल टाइगर था वो, उसके साथ क्या होता है जब वो फ्रॉग का पीछा करता है, जब उसने फ्रॉग का पीछा किया था तो उसके साथ क्या हुआ था। तो द फ्रॉग होप्ड अवे व्हेन द लिटिल टाइगर कब चेज्ड द फ्रॉग, तो हुआ क्या था कि वो जो फ्रॉग था ना वो वहाँ से कूद करके दूसरी जगह चला गया जब लिटिल टाइगर ने उसका पीछा किया था। पेज नंबर 72 है आपका, इसमें है क्वेश्चन वन में मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस, ये एनिमल्स को आपको यंग वंस, उनके यंग वंस के साथ मैच करना है। ठीक है, कि बुक में इमेजेस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो हॉर्स है और आपके सामने किटन है, डॉग है, काफ है, कैट, कॉल्ट, काउ, पपी, पिग, कब, टाइगर, पिगलेट, शिप, किड, गोट, डकलिंग एंड डक एंड लैम्ब। तो आंसर इसका हो जाएगा हॉर्स का यंग वंस होता है कॉल्ट, डॉग का होता है पपी, कैट का किटन, काउ का काफ, पिग का पिगलेट, टाइगर का कब, शिप का लैम्ब, गोट का किड और डक का डकलिंग। पेज नंबर 73 है आपका, इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड गेम। तो वर्ड गेम का देखना है आपको, कैन यू प्लेस दिस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर,
टू फॉर्म द नेम्स ऑफ एनिमल्स. आपको क्या करना है कि इन लेटर्स को एक ऐसे फॉर्म में लाना है जो या तो एनिमल्स के नेम में वो कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल है ए टी सी. तो ए टी सी को जब हम अरेंज करते हैं, उसको उसके लेटर्स को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, तो एक नया वर्ड बनता है कैट, जो कि एनिमल है. तो अब यहाँ पर आपको पहला है एस ई एम ओ यू, तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये माउस हो जाएगा. सेकेंड में आपको हॉर्स हो जाएगा, थर्ड में लायन, फिर शिप, फिर डियर, फिर बुल, फिर टाइगर एंड फिर वुल्फ. ठीक है, फिर पेज नंबर 73 है आपका. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, द एनिमल्स और बर्ड्स इन कॉलम ए हैव टू रीच देयर होम्स इन कॉलम बी. तो एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं कॉलम ए में, उन्हें अपने घर पहुंचना है जो कॉलम बी में है. फाइंड आउट वेयर दे लीव. तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ रहते हैं. तो कॉलम ए में पहले आपका क्वेश्चन है बी एन एंट, अ डक, अ टाइगर, अ रैबिट, अ स्पाइडर, अ स्पैरो. ठीक है, और यहाँ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बी में, विरो, वेब, नेस्ट, लिव्स इन अ डैन, हाइव, पॉन्ड एंड हिल. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ बी लिव्स इन अ हाइव, एन एंट लिव्स इन एन एंट हिल, अ डक लिव्स इन अ पॉन्ड, अ टाइगर लिव्स इन अ डैन, अ रैबिट लिव्स इन अ विरो, अ स्पाइडर लिव्स इन अ वेब एंड अ स्पैरो लिव्स इन अ नेस्ट. फिर आपका पेज नंबर 74 आता है, इसमें है नाउ राइट 6 सेंटेंसेज फ्रॉम द अबव पिक्चर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और टाइगर लिव्स इन अ डेन. जो आपने मैच द फॉलोइंग किया था उससे आपको उसके बेसिस पे आपको सेंटेंस मेकिंग करना है. तो जैसे आपका एग्जांपल हो गया अ टाइगर लिव्स इन अ डेन, तो दूसरा हो जाएगा अ स्पैरो लिव्स इन अ नेस्ट, अ रैबिट लिव्स इन अ बिरो, अ डक लिव्स इन अ पॉन्ड, अ स्पाइडर लिव्स इन अ वेब, एन एंट लिव्स इन एन एंट हिल, अ बी लिव्स इन अ हाइव. फिर पेज नंबर 74 है, क्वेश्चन 1 है द लिटिल टाइगर कब स्लिप्ड अवे व्हेन हिज मदर वाज अस्लीप, ही सून गॉट इनटू ट्रबल, टेल द क्लास अबाउट अ सिमिलर इंसिडेंट व्हेन यू डिड नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स एंड फाउंड योरसेल्फ इन ट्रबल. तो वो जो टाइगर कब था, उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी और वहाँ से वो निकल गया था उस फ्रॉग का पीछा करते करते, और उसकी मम्मी तभी सोई हुई थी. और उसके बाद होता क्या है कि तुरंत ही बाद वो एक प्रॉब्लम में पड़ जाता है कि उसके सामने एक टाइगर जो कि उसकी मम्मी से भी बहुत बड़ा था सामने आ जाता है. तो आपको क्लास में ऐसे कोई इंसिडेंट मिलता जुलता कुछ ऐसी आपकी इंसिडेंट होगी जो आपको बताना है कि आपने जब कभी ऐसा हुआ हो कि पेरेंट्स की बात ना मानी हो अपने मम्मा पापा की और आप किसी परेशानी में पड़ गए हों. ठीक है, तो आपको यहाँ पर है ये एक सैम्पल आंसर है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं. ठीक है, आप अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं. वन डे इट वॉज रेनिंग हैविली आउटसाइड, की एक दिन की बात है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. आई वॉन्टेड टू गो आउट एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को खेलने जाना चाहता था. आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी मम्मी से पूछा, बट शी रिफ्यूज टू लेट मी गो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. आफ्टर हाफ एन आवर आई स्लिप्ड अवे फ्रॉम होम एंड वेंट आउटसाइड टू प्ले. तो फिर क्या होता है, आधे घंटे बाद मैं मम्मी से छिप कर घर से चला जाता हूँ खेलने के लिए. व्हेन आई वेंट इनसाइड द पार्क, और जब मैं पार्क में गया, द गार्ड लॉक द डोर फ्रॉम आउटसाइड एंड वेंट बैक अवे. और क्या हुआ कि गार्ड ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और वो चला गया. आई गॉट वेरी स्केयर्ड, मैं काफ़ी डर गया था, एज आई वॉज नॉट एबल टू सी एनी वन नियर बाय. वो बहुत डर गया था क्योंकि उसे कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था. आई स्टार्टेड रोरिंग एंड क्राइंग, वो रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है. माई मदर केम रनिंग अवे टू द पार्क टू सर्च मी. उसकी मम्मी को जब एहसास होता है कि बेटा मेरा आसपास नहीं है, तो वो दौड़कर पार्क में जाती है कि कहीं वहाँ पर तो नहीं हो. आई फेल्ट गिल्टी एंड सेड सॉरी टू हर, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने गलती की, अपनी मम्मी से मैंने कहा नहीं और चुपके से निकल गया. मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उनसे सॉरी कहा. ठीक है, तो आपको आपके पेरेंट्स की बात कभी नहीं काटनी है और अपने पेरेंट्स से छिपकर कुछ भी काम नहीं करना है. जो भी करना है अपने पेरेंट्स को बताकर करना है. ठीक है, कोई भी काम हिडन नहीं होना चाहिए, छिपा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कोई ना कोई ट्रबल में फंस जाएंगे. पेज नंबर 74 है, क्वेश्चन 1, मेक ग्रुप्स, वन पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप शुड एक्ट लाइक द मदर टाइगर, द कब, द लार्ज मेल टाइगर, द फ्रॉग, द सांबर काकर डियर, द लैंगूर मंकी. नाउ एक्ट आउट द स्टोरी फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. आपको करना क्या है, ग्रुप बनाना है. ठीक है, उस ग्रुप में एक मदर टाइगर होगी, एक कब होगा, ठीक है, एक लार्ज मेल टाइगर होगा जो आया था, फिर एक फ्रॉग होगा, फिर वो डियर होगा सांबर काकर डियर, उसके बाद एक मंकी भी होगा. और आपको ये स्टोरी को एक्ट करना है अपने तरीके से, पहले अपनी भाषा में, उसके बाद इंग्लिश में भी. ठीक है,
उसके बाद आपका आता है पेज नंबर 74 का ही है ये। इसमें क्वेश्चन वन है, आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, क्वाइट क्वाइट, क्वीन क्वेरल, बिलो फेलो शेलो स्वेलो, बिग बिगर बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट, बाउंस एंड बाउंस। तो आपको करना है हु एम आई, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज, देन कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल, द फर्स्ट क्लू इज डन फॉर यू। तो पहला है आई गिव वुल, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट में हो जाएगा आई गिव वुल, तो वुल कौन देता है, हमें शिप देता है। आई ले एग्स, तो ये सेकेंड में आपका हो जाएगा हैन, ठीक है। थर्ड है आई गिव यू मिल्क, तो थर्ड आपका हो जाएगा काउ। फोर्थ हो जाएगा आई कैरी लोड्स, ठीक है। फोर्थ नंबर में आपको हो जाएगा टंकी। फिफ्थ में आई ने, तो ने जो है ना हिनी नानी की आवाज़ आती है घोड़े से, तो हो जाएगा हॉर्स। सिक्स में हो जाएगा आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड। सिक्स नंबर में आपका क्या हो जाएगा, डॉग। डॉग जो है वो बहुत ही वफादार होता है और इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। सेवन में आई लिव इन अ स्टाई। सेवन में आपको क्या है, पिग हो जाएगा, वो ये स्टाई में रहते हैं। एट में है आई ब्लीट, मतलब शिप, शिप जो है ब्लीट करती हैं। नाइन्थ में आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं शिप ऑफ डेजर्ट हूँ, मतलब रेगिस्तान का मैं जहाज हूँ, वो कैमल होता है, ठीक है। फिर आपका कुछ वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, उसको आपको मैच करके लगाने हैं अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो आपको पहले, सबसे पहले हो जाएगा क्वाइट क्वाइट, क्वीन क्वेरल, फिर बिलो फेलो शेलो स्वेलो, बिग बिगर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका है आई गिव वुल, तो यहाँ आंसर आपका शिप है। आई ले एग्स, हैन, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको। अब यहाँ पर आपका हो जाता है ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। आप जो भी न्यू वर्ड्स हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे आप रिमेंबर करेंगे, और जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन जो है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।